नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं रितांभरा आपके साथ। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने अपना कुनबा विस्तार करने की कोशिश तेज कर दी है। इसी कड़ी में आरजेडी ने अब असम और पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ताल ठोका है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी अपने प्रत्याशी उतारेगी, इसकी घोषणा तेजस्वी यादव ने कर दी है। बहरहाल इन दोनों राज्यों में तेजस्वी को कितनी कामयाबी हासिल होती है यह तो चुनाव परिणाम के दिन ही साफ होगा। आईएएस अधिकारी दीपक कुमार का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। मुख्य सचिव के पद से रिटायरमेंट के बाद सरकार ने दीपक कुमार को नई जिम्मेदारी मिली है। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव बनाया गया है। और पटना के एलजीपी प्रदेश कार्यालय में एलजीपी सुप्रीमो चिराग पासवान के नेतृत्व में एक अहम बैठक बुलाई गई, जहां संगठन में बदलाव और भविष्य में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, एलजीपी के कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज समेत पार्टी के अन्य नेता शामिल रहे। मौजूद नहीं हूँ, चुनाव के वक्त जिस तरीके से उनका निधन हुआ, हम लोगों ने किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पार्टी को या परिवार को एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा कि जब सबसे ज्यादा उनकी जरूरत हो। और देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होगा। इस चरण में 60 से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वहीं बिहार विधानसभा में भी कल से टीकाकरण शुरू किया जाएगा, जहां सभी विधायकों और विधान पार्षदों को टीका लगाया जाएगा। खगड़िया के गोगरी थाना के भगवान हाई स्कूल मैदान के पास बने एक जर्जर भवन में बम फटने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बच्चे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, इसी दौरान गेंद उसी जर्जर भवन में चला गया। जब बच्चे गेंद लेने उस भवन में गए तो एक बच्चे ने गेंद समझकर बम को ही उठा लिया, पर जब उसने अनजाने में बम को पटका तो वहां धमाका हो गया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं धमाके में 2 अन्य बच्चे भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अब भी जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जो बम विस्फोट का हुआ, सुन करके बड़ी अस्तब्ध हूँ कि कहां से ऐसा घटना घटित हुआ। सारे बच्चे भगवान हाई स्कूल के मैदान में खेलते हैं और जस्ट उसके बगल में किरा भवन में भी ऐसा घटना घटा, और ये जो बम आया कहां से आया, इस पे तहकीकात होना चाहिए, जांच का विषय है, किसी पे टारगेट करके। 26 जी, तो आपको बता दें कि खगड़िया में एक बम धमाका हुआ है, जहां पर एक बच्चे की मौत हो गई है। एक जर्जर भवन था जहां बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने वहां पर अपने गेंद फेंकी और जब एक बच्चा वो गेंद उठाने गया तो उसने गलती से बम उठा लिया, और जैसे ही उसने उस बम को पटका वहां धमाका हुआ और उसकी मौत हो गई। बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने कला भवन पहुंचकर जनता को संबोधित किया। इस दौरान मौके पर बीजेपी के कई नेताओं ने मंत्री का भव्य स्वागत भी किया। जो मंदिर का खाना होगा बाहर भी जा सकता है, और जो नीलगाय का समस्या है उसको भी समाधान करने के लिए हम लोग उस पर काम हम लोग करेंगे। आगे बाकी चीज पता चलेगा। जगह हम लोग बनाएंगे, कौन कौन जिले में बनने की उम्मीद है? पहले तो हम लोग उसको बनाएंगे, यहाँ रानीगंज में एक जगह है जहाँ पर फॉरेस्ट का जमीन है, अररिया में वहाँ बनाएंगे। दूसरा हम लोग बीटीआर वहाँ बनाएंगे, दो जगह हम लोग प्लान कर रहे हैं।
और सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड में विधायक सविता महतो ने सातवीं कक्षा की छात्रा काजल महतो को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। बताया जा रहा है कि छात्रा का चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। वह झारखंड की ओर से मुंबई में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। काजल के बारे में बताया गया कि वो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं और मुंबई जाने के लिए उसकी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं जब विधायक के संज्ञान में ये बात सामने आई तो उन्होंने काजल की मदद के लिए आगे बढ़कर आर्थिक सहयोग करने की बात कही। के अंतर्गत ईचागढ़ विधानसभा में कुदा गांव की जो हमारी बच्ची बहुत अच्छा लगा सुन के, जो साइकिल रेसिंग से ये बॉम्बे जाएगी कुछ दिन बाद, और आशा करती हैं कि ये अच्छा से अच्छा, मतलब विधानसभा का ही नहीं, गांव का ही नहीं, पूरा देश विदेश में नाम करके और गोल्ड मेडल जीत के आएगी, यही मैं शुभकामना करती हूँ मैडम। और सीतामढ़ी दारोगा हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है, जहां घटना की सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद से स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध बन गई है। दरअसल सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि शहीद दारोगा अकेले नहीं बल्कि उनके साथ मेजरगंज थाना अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी और पुलिस फोर्स भी थी। वहीं घटना के संबंध में बताया गया था कि घटना स्थल पर शहीद दारोगा दिनेश राम और चौकीदार भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से कई राज खुलने की संभावना जताई जा रही है, साथ ही मेजरगंज थानेदार की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है। फिलहाल इस मामले में अभी जांच पड़ताल जारी है। और गुमला में कलयुगी पिता ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, जहां पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता नशे की हालत में था, वहीं घटना की जानकारी पीड़िता की मां ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घाघरा थाना में ये महिला जो है वो घाघरा थाना में जाकर के कंप्लेन की, जिसके बाद घाघरा थाना प्रभारी द्वारा मुझे संपर्क किया गया। फिर मैं वहाँ पर जाके वादनी का जो है स्टेटमेंट लेने के बाद में वहाँ उनका प्राथमिकी दर्ज किया गया है। तो इसमें क्या है कि लड़की है, बच्ची 14 वर्ष की बच्ची है, जिसके साथ उसका पिता ही खुद उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था, और ये लोग चाय बागान तमिलनाडु के तरफ। पलामू जिले के हुसैनाबाद में सोन नदी किनारे पुलिस ने एक युवती का शव बरामद किया है, जिसकी पहचान गांव के कोयरीडी के रूप में किया गया है। परिजनों ने युवती के लापता होने की लिखित सूचना भी दी थी। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए अंत परीक्षण के लिए अस्पताल में भेज दिया है। हत्या का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस हत्या के कारणों का पता कर रही है। कल संध्या में एक लवारिस लाश की सूचना प्राप्त हुई थी। लवारिस लाश की पहचान हो गई है, वो कुसमा के रहने वाली है, और इस पर उनके परिजनों से आवेदन प्राप्त कर और सभी बिंदुओं पर अनुसंधान। और नालंदा में जहरीली प्रसाद खाने के बाद 400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। मामला परवलपुर प्रखंड क्षेत्र के पिलिची गाँव का है। ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार को माघी पूर्णिमा के मौके पर गांव के ही देवी मंदिर में आयोजित पूजा के मौके पर बने प्रसाद का लोगों ने सेवन किया था, इसके बाद कई लोग बीमार पड़ गए। वहीं सूचना मिलते ही नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र कुमार राजेश ने बताया कि मेडिकल टीम को गांव के लिए रवाना किया गया है और फिलहाल सभी लोग खतरे से बाहर हैं। स्थान में पूजा हुआ सर, वही प्रसादी खाए से कुछ आदमी के मिला जुला 500 आदमी के करीब करीब तबियत हो गया, तबियत खराब हो गया, टट्टी हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ एक दिन भी डॉक्टर नहीं रहते हैं, नर्स आती है, यहाँ पब्लिक का हाल बिल्कुल। बिहार में अपराधियों का हौसला कुछ इस कदर बढ़ गया है कि अब वे नेताओं पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे।
ताजा मामला रोहतास जिले के सासाराम का है, जहां अपराधियों ने करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद विधायक संतोष मिश्रा ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक विधायक का परिवार ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है, हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ये जो सत्ता है और ये जो शासन अभी चल रहा है बिहार में, उसमें आम से लेके खास आदमी तक सुरक्षित नहीं है। जब मेरे परिवार पर ऐसा हमला हो सकता है तो आम लोगों की तो बात ही छोड़ दी है। अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अभी हम लोग पूरा परिवार, चूँकि शोकाकुल है सारा परिवार, एकदम खास भतीजे की मेरी हत्या हुई है, दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए आफ्टर पोस्टमार्टम हम लोग। और बिहार में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना मधुबनी की है, जहां एक दवा व्यवसायी पर अपराधियों ने 6 राउंड गोलियां चलाई। हालांकि इस घटना में व्यवसायी बाल बाल बच गया। हरलाखी थाना क्षेत्र स्थित उमगांव बाजार में दवा व्यवसाय करने वाले पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि देर शाम वह अपने दुकान पर थे, तभी दो बाइक पर आए करीब 6 अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई तो अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। पुलिस ने मौके से एक जिंदा गोली और खोखा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा।